अस्सलाम वालेकुम, सच न्यूज़ के साथ मैं हूं उमर सियालवी। आपको बताते चलें कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट साइफर केस की अडियाला जेल में आज फिर से समाअत होगी और खसूसी अदालत के जज अबू अल हसनात ज़ुल्करनैन अडियाला जेल पहुंच गए हैं और उन्होंने आज समाअत करनी है। ज़ुल्करनैन आज ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट साइफर केस में अडियाला जेल में समाअत के लिए खसूसी अदालत के जज अबू अल हसनात ज़ुल्करनैन अडियाला जेल पहुँच चुके हैं। सुहेल राजा हमारे साथ मौजूद हैं। सुहेल राजा, आगाह कीजिएगा, खसूसी अदालत के जज अबू अल हसनात ज़ुल्करनैन अडियाला जेल पहुँच गए हैं, साइफर केस की समाअत शुरू होने में कितनी देर है? जी बिल्कुल, देखें, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट से मुतालिक साइफर केस की समाअत अब से कुछ देर बाद अडियाला जेल में शुरू होगी। एफआईए के स्पेशल प्रोसिक्यूटर जुल्फार अब्बास नकवी, शाखावर रिजवान अब्बासी अदालत में इस वक्त अडियाला जेल के बाहर पहुंचे हैं, जबकि खसूसी अदालत के जज अबू अल हसनात ज़ुल्करनैन भी अडियाला जेल अब से कुछ देर कबल अडियाला जेल में पहुंचे हैं। स्पेशल सीक्रेट एक्ट के साइफर से मुतलिक तीनों जो सरकारी गवाह के बयान हैं, कलम बंद आखिरी समाप्त पर कलम बंद गवाह पर जरा मुकम्मल कर ली गई थी। सरकारी गवाह में मोहम्मद उमान, शमून, कैसर और इमरान शामिल थे। इसके साथ साथ रिश्ता समाप्त और वजारत खारजा के तीन जवान ने अपने बयान कलम बंद किए थे। पीटीआई चेयरमैन और शाह महमूद कुरैशी के वकला ने रिश्ता समाप्त पर सरकारी गवाह पर जरा मुकम्मल की थी। एफआईए की जानब से मजीद तीन जवान को आज अदालत में पेश किया जाएगा। साइफर से मुतलिक केस की समाप्त अब से कुछ देर बाद अडियाला जेल में शुरू होगी। जी बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया।